क्लासरूम है। बेगूसराय में सोमवार को रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स RSETI बेगूसराय में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण का शुभारंभ बेगूसराय के जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि आज उद्योग विभाग के द्वारा 70 व्यक्तियों का चयन हुआ था। मुख्यमंत्री उद्योग योजना के तहत इनमें COVID-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए 25 व्यक्तियों को कार्यक्रम में बुलाकर इसका प्रारंभ किया गया है, उसी का आज उद्घाटन कराया गया। उन्होंने बताया कि सबसे पर हमारे यूको बैंक के जोनल हेड भी उपस्थित थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ की टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस योजना के तहत सभी लाभुकों को 2 किस्तों में 10 लाख रुपए की राशि उनको दी जाएगी और बाद में जब उनका पूरा हो जाएगा तो 84 किस्तों में धीरे धीरे राशि वापस करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में रहेगा और यहाँ पर 15 दिनों का ट्रेनिंग सभी लोगों को दिया जाना है। इसका भी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 2 टुकड़ों में बांट कर किया गया है और क्या कुछ कहा है बेगूसराय के जिलाधिकारी ने, आइए जानते हैं BNP न्यूज के इस रिपोर्ट में संवाददाता शिवम कुमार के साथ। योजना का उद्घाटन किया गया सर, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोगों के यहाँ पे उद्योग विभाग के द्वारा 70 व्यक्तियों का चयन हुआ था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत और जिनमें कोविड प्रोटोकॉल के देखते हुए अभी 25 व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ, उसी का आज उद्घाटन RSETI में कराया गया। इस अवसर पर हमारे यूको बैंक के जोनल हेड भी उपस्थित थे, GMDIC साहब थे, RSETI की पूरी टीम थी यहाँ उपस्थित। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ की टीम को कि जो कार्यक्रम लोग करवा रहे हैं। इस योजना के तहत सभी लाभुकों को 2 किस्त में 10 लाख रुपये की राशि उनको दी जाएगी और उसके बाद में जब उनका पूरा हो जाएगा उसके बाद 84 किस्तों में धीरे धीरे उनको राशि वापस करनी है, इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में रहेगा और यहाँ पे 15 दिन का ट्रेनिंग सभी लोगों को दिया जाना है। तभी जो पहला बैच प्रारंभ हो रहा है 35 लोगों का है, उसको भी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है और 15 दिन के दौरान उनको पूरा किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसका फिनेंसिस किस तरीके से ठीक रखना है, साथ ही साथ एक सफल उद्यमी की जो विशेषताएं होती हैं, जो क्वालिटी होती हैं, उस सब के संबंध में भी उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो जो लोन ले रहे हैं वो वेस्ट ना होने पाए, उसको सही तरीके से वो लोग इन्वेस्ट करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। इससे ना केवल जो उद्यमी यहाँ पे चयनित हुए हैं ना केवल उनको फ़ायदा होगा, उनके परिवार को सपोर्ट मिलेगा, बल्कि और भी रोज़गार जनरेट होगा। तो अपने ज़िले का लक्ष्य 440 है तो मैं और भी आप लोगों के माध्यम से और लोगों से अपील भी करूँगा कि लोग इसके लिए जो योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें और जो भी इंटरेस्टेड फील्ड हो, जो व्यवसाय बढ़ा सकते हैं उसके लिए आवेदन करें ताकि सरकार का योजना का लाभ लेके व्यवसाय को बढ़ाएं और अपने ज़िले में और भी लोगों को रोज़गार इससे मिल सके। सर टाइमिंग क्या है ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग 8 घंटे का पूरा पर दिन रहेगा और 15 दिन तक चलेगा, बाकी तो RSETI की टीम वो टाइमिंग अपना करेगी। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अभी ट्रेनिंग रेजिडेंशियल नहीं रखा गया है, घर से ही लोग यहाँ पे आएंगे, अपडाउन करेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।